हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन मतलब नींव है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे भैया दुनिया में, और कहते भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? हिंदुस्तान में मान लो, हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है, मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे भैया दुनिया में, और कहते भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई, और थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं। अलग 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 कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए ये सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे, मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगी है, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप यह मत सोचिए कि आइडिया यह है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, यह मेरा विजन नहीं है, यह पहला कदम है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है? मतलब हम यह समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो समान, एक समान है, एक जैसे। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब 70 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, इसका समाज पर इफेक्ट पड़ा है हां या ना?